हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है। और ये जो जजमेंट है वो आईपीसी की धारा 498A के मामले में, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि पति के खिलाफ अगर यंत्रवंत को जो 498 है वो लागू नहीं किया जा सकता। यदि ये भी चीज़ इसमें था कि पति पत्नी के जो रोज़ रोज़ के जो झगड़े जो हैं वो क्रूरता की श्रेणी में नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये एक इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट जो हाल ही में पति के फेवर में आया है। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पत्नियों द्वारा दायर शिकायतों पर दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 498A के तहत जो घरेलू क्रूरता के अपराध को यांत्रिक रूप से लागू करने के खिलाफ पुलिस को आगाह किया है। अदालत ने कहा कि ये सभी उन मामलों में जहाँ पत्नी उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की शिकायत करती है, आईपीसी की धारा 498A को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वैवाहिक आचरण जो दूसरे के लिए झुंझलाहट का कारण बन सकता है वह क्रूरता की श्रेणी में नहीं आ सकता। केवल मामूली चिड़चिड़ापन, पति पत्नी के बीच जो झगड़े जो रोजमर्रा के वैवाहिक जीवन में घटित होता है उसे क्रूरता नहीं माना जा सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई इस जजमेंट में। साथ ही साथ ये भी निकल के आया, कोर्ट ने ये भी कहा कि फिरौती के लिए पति को पकड़ने के लिए पुलिस मशीनरी के इस्तेमाल के प्रति आगाह किया, जिससे पत्नी अपने माता पिता या रिश्तेदारों या दोस्तों के उकसावे पर उसे दबा सके। कोर्ट द्वारा लिखे गए इस फैसलों को टिप्पणी की गई, जहां अक्सर माता पिता और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के कारण जोड़ों के बीच विवाद जटिल हो जाते हैं। अदालत ने कहा, कई बार माता पिता सहित पत्नी के करीबी रिश्तेदार भी बात का पदंगण बना देते हैं, जिसमें स्थिति को बचाने और शादी को बचाने के हर संभव प्रयास करने के बजाय अज्ञानता के कारण या पति और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति नफरत के कारण उनकी कार्रवाई तुच्छ मुद्दों पर शादी को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसके अलावा अदालत ने विवाह में पति और पत्नी के बीच सहिष्णुता समायोजन और आपसी सम्मान के महत्व पर भी गौर किया। अदालत ने यह भी कहा कि एक अच्छे विवाह की जो नींव वो सहिष्णुता समायोजन और एक दूसरे का सम्मान करना है। प्रत्येक विवाह में एक दूसरे की गलती के प्रति निश्चित सहनीय सीमा तक सहनशीलता अंतर्निहित होनी चाहिए। छोटे मोटे जो विवाद, छोटे मोटे मतभेद सांसारिक मामले हैं और जो कहा जाता है कि स्वर्ग बनाया गया है उसे नष्ट करने के लिए इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं पेश किया जाना चाहिए। अदालत ने इस बात का भी सराहना करनी चाहिए कि सभी झगड़ों को प्रत्येक विशेष मामले में क्रूरता का निदान करने के लिए उसे दृष्टिकोण से तोला जाना चाहिए। हमेशा पक्षों के शारीरिक और मानसिक स्थिति, उनके चरित्र और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही। और साथ ही साथ ये भी कहा कि साथ ही अदालत ने पत्नी और उसके परिवार के जो सदस्यों द्वारा पहली बार पुलिस स्टेशन पहुंचने की अपनाई गई प्रथा की निंदा की, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाने से पति पत्नी के बीच सुलह उचित संभावना नष्ट हो सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी उसके माता पिता उसके रिश्तेदारों के दिमाग में सबसे पहले चीज़ जो आती हुआ है पुलिस, मानो पुलिस सभी बुराइयों का इलाज है। जैसे कि मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पति पत्नी के बीच सुलह की उचित संभावना होने पर भी वे नष्ट हो जाएंगे। अदालत ने पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का जो वास्तविक मामला होने की संभावना से इनकार नहीं किया। हालांकि कहा गया कि पुलिस सिस्टम का उपयोग वह भी क्रूरता व उत्पीड़न के एक बहुत ही वास्तविक मामले में अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए। तो ये एक जजमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आया है, जो कि आईपीसी की धारा 498A के मामले में है। और इस जजमेंट में यही एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई कि आईपीसी की धारा 498 को पति के खिलाफ यंत्रवत लागू नहीं किया जा सकता। पति पत्नी के बीच रोज़ रोज़ के जो झगड़े हैं क्रूरता की श्रेणी में नहीं आ सकती। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।